अब टिप्पण में पहुंची। अशुद्ध चित्तस्य केवलात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगाश्रयानिति प्रपंच्य। 12वें श्लोक तक जो कहा गया उसको उठाकर बोल रहे हैं कि भाई अशुद्ध चित्त वाला जो भी व्यक्ति है उसके लिए केवल कर्म संन्यास करने की अपेक्षा से कर्मयोग करना ही उचित है, ये बात कहा गया। और अब जो है आगे क्या कहने चाह रहे, इदानीम शुद्ध चित्तस्य सर्वकर्म संन्यास एव श्रेयान्। जो शुद्ध चित्त वाला है उसके लिए तो सर्वकर्म संन्यास करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इति विषयेति इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वेति या पाठ में भी भेद है, नवद्वारे पुरे देहे, कहीं पर नवद्वारे पुरे देही, देहे अथवा देही, ये पाठ भेद है। देही इत्यत्र देहेति च पाठांतरम कर्मण्य कर्मया पश्येत इत्यत्र उक्तेन अकर्त्रात्मक सम्यक दर्शनेन संन्यसेत्यन्वयः। कर्मण्य कर्मया पश्येत इत्यत्र उक्त जो अकर्त्रात्मक जो आत्मा का सम्यक ज्ञान है तत्प्राप्ति के अनंतर ही संन्यास अन्वय करना चाहिए। अग्रे भी वक्षति ये आपकी भी बात कहने वाले, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय में शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित हो तो भी आत्मा न करता है न होता व कर्मों से भी लिप्त नहीं होता। पंचम कारम त्यक्त्वा पंचककार उपास्य पंच सकार साधनेन इदं संभवति। और स्थिति कैसे हो सकती है उसके लिए अपने ओर से बताया टिप्पण में कि पंच मकार को त्यागना पड़ेगा, पंच ककार की उपासना में उपयोग करना होगा और पंच सकार के साधना करने से ही यह संभव है। यह पंच मकार क्या है, पंच मकार आहा मत्स्य मुद्रा मांस मधु मैथुनेति। मत्स्य मुद्रा मांस मधु मने मदिरा और मैथुन, ये पंच मकार है। और पंच ककार कौन से हैं, पंच ककार आ गौ गंगा गायत्री गुरु और गोविंद गोविंदश्चैति। मुद्रा से हाँ पैसा धन लेते, हाँ पैसा धन मुद्रा से धन ही लेते हैं। और पंच सकार कौन से हैं, सजगता सदृढ़ता ये संभलना सतर्कता और सावधानता मन समझना एवं समाधानंच समाधान, ये पंच सकार है। इनको अपनाएगा तभी व्यक्ति की स्थिति आ जाएगा। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरण का कुछ ही कहा, शंकरानंद अपने अवतरणिका दे रहे हैं। ननु आत्मनो निर्वयवत्वेन क्रियाश्रित अनुपत्तौ। ठीक है आपने जो कहा मान लेता हूँ, लेकिन यह आत्मा यदि निर्वय है इसे क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता, तो स्वतः कर्तृत्व संभव है भी। ठीक है स्वतः आत्मा में किसी प्रकार कर्तृत्व नहीं है, लेकिन यथा अयस्कांतस्य अयश्चालकत्वम, जैसे अयस्कांत मणि में अयह का लोहे के टुकड़ों का चालकत्व आ गया, तथा कारयितृत्व स्यादेव, इस आत्मा परमात्मा में कारयितृत्व मान लो, स्वयं करेगा नहीं लेकिन सबसे कराएगा, अंतर्यामी बनकर ही करा रहा है, वही नचा रहा है। इसको ऊपर ले जाना होगा तो पुण्य कर्म कराता है, गिराना होगा तो पाप कर्म कराता है, इतनी श्रुतियाँ भी है, विस्तार बनाएगा टीका में उन श्रुतियों को लेकर के। अतः कार्यतृत्व तो मानना ही चाहिए इत्याशंकायाम न कुर्वन न कार्यन, जो कहा गया उस अंतिम हिस्से पर यह आशंका हुई, अकार्यन नहीं हो सकता अवश्य कराता है वो, तब सिद्धांत इत्याशंकायाम न। तथा त्वे प्राणिनाम आत्मसानिध्यस्य नित्यत्वात्। पहला बात यह है सकल प्राणियों के प्रति आत्मा के सानिध्य नित्य है। फिर सर्वदा सर्वेशां प्रवृत्तिरेव स्यात्, इसकी सानिध्य से जैसे अयस्कांत मणि के सानिध्य से लोहे में क्रिया हुई
उसी प्रकार से आत्मा के ध्यान से शरीर में क्रिया होगी तो 24 घंटा होते रहेगा, फिर तो रोकेगा कौन इसको। कि आत्म सन्निधि जो है नित्य निरंतर उपलब्ध है, सर्वदा क्रियाकलाप होनी चाहिए। तो सर्वदा सर्वेशा प्रवृत्तिरेव स्यात्, इन्हें ऐसा नहीं देखा गया। तद दर्शनाद आत्म न कार्यतृत्व न प्रामाणिकम, आत्म में कार्यतृत्व प्रामाणिक नहीं हो सकता। इत्याशेना हो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तो प्रवर्तते, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तो प्रवर्तते। प्रभु हो लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति, प्रभु हो लोकस्य कर्माणि अपि न सृजति, प्रभु हो लोकस्य कर्मफलो संयोगम अपि न सृजति। सृजति सबके साथ जुड़ेगा, प्रभु और लोकस्य भी जुड़ेगा। प्रभु मने परमात्मा, प्रकृष्ट रूपेण भवति यस्माद् इति प्रभुः, प्रकृष्ट रूपेण भवन्ति यस्माद्, या प्रश्न भवन्ति ये न यस्मिन् विग्रहवाक्य करके सृष्टि स्थिति और लय का अधिष्ठान का नाम प्रभु। वह प्रभु परमात्मा इस लोक काम इस जीव का न कर्तृत्वम न सृजति, वह इनमें कर्तृत्व नहीं डालता है, उत्पन्न नहीं किया कर्तृत्व उसने। कर्तृत्व कैसे आ गया? अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से मूढ़ हुआ तब इसमें कर्तृत्व आ गया। परमात्मा ने कर्तृत्व नहीं डाला आप में, हमने अपने आप मोल लिया है। ये फ्री का सौदा मिल गया तो आदमी ले लेता है, बाद में पछताता है। वही यहाँ पर भी है, मुफ्त में अहंकार मिल गया उसको लेकर कर्तृत्व बना लिया। न कर्माणि, और लोक का जो कर्म का फल है, या कर्म से यहाँ यागादि नहीं लेना है, कर्म से कर्म फल, वो भी इसने परमात्मा ने नहीं जोड़ा नहीं बनाया। मैंने स्वर्गादि लोक हो, अहिक हो, भौतिक हो और पारलौकिक हो, कोई भी हो, फल सृजन नहीं किया। न कर फल संयोगम, न उन कर फलों के साथ संबंध ही विषय बढ़ाया, हम अपने आप बना लेते संबंधों को, संबंधों को अपने आप बनाते हैं ना। अब बनाने की तरीका है, कभी कभी ऐसे संबंध बना लेते जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हो जाता है। आजकल की शादियां क्या है, दो परिवार का संबंध बनाने से लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, बेफालतू के फूंकते हैं। और स्कूल में कॉलेज में आपस में दो मित्र बन गए, वहां कोई पैसा खर्च होगा? और वो दोस्ती कई बार ऐसी होती थी कि जिंदगी भर साथ देते। और ये जो बना है करोड़ों खर्च करके, इसका ठिकाना नहीं कब डाइवोर्स हो जाए। ये संबंध तो हम बना रहे हैं और सुख दुख को अपने आप ला रहे अपनी ओर। न कर्म सल फस संयोगाम, फिर कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं सभी के सभी? हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, इनकी अपनी अविद्या या माया कहो प्रकृति कहो, उसका नाम यहाँ स्वभाव इति स्वभाव। व्युत्पत्ति करेंगे भाष्यकार, देखिए भाष्य। न कर्तृत्वमिति, न कर्तृत्वम स्वतः कुरु इति, भगवान जो स्वतः आप करो ऐसे डंडा लेके खड़े हो कि आपसे करवा नहीं रहे हैं। स्वतः कुरु इति, ऐसे वो नहीं करते। ना भी कर्माणि रथ घट प्रासाद्यादीनी ईप्सितमानी लोकस्य सृजति, और जो कर्म सृजन के ना अपने जो फल है, रथ है, घट है, प्रासाद मकान आदि, जो ईप्सितमम कर्म, व्याकरण सूत्र क्या बनाया, कर्तुरीप्सितमम
कर्म, उसी को ले रहे ईप्सितमानी लोक से मैंने जीव से न सृजति न उत्पादयति इत्यर्थ। कौन उत्पन्न नहीं करता न कराता? कहते प्रभु आत्मा ना पे रथाधिकृत वतस तत्फलेन संयोगम न कर्म फल संयोगम इति। रथाधिकृत वाह करने वाले का जो उस उत्पन्न वाला फल है सुख दुख आदि, उनके साथ भी हमारा कोई संबंध जोड़ता नहीं। हम स्वयं जोड़ लेते हैं, बोलते हम सुखी हैं हम दुखी हैं, वो नहीं जोड़ता है। न कर फल संयोग, यदि किंचित भी स्वतः न करोति न कार्यति च देहि कस्तरि कुर्वन् कार्यस्य प्रवर्तते इत्युच्यते। यदि स्वतः ही आत्मा परमात्मा न कुछ करता है न कराता है, फिर कौन है वो जो इनसे कराता हुआ दिख रहा है करता हुआ दिखाई दे रहा है? इत्युच्यते स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव मैंने स्वभाव इति स्वभाव अविद्या लक्षण प्रकृति न माया प्रवर्तते इत्यर्थ। स्वश्चासौ भावश्च मैंने आत्मा से अभिन्न रूपेण व्याप्त होकर रहने वाली जो अविद्या है माया है प्रकृति है, इन शब्दों से कहा गया वही है। जिसके यहाँ पर भी आगे सातवें अध्याय में ही 14वें श्लोक में कहेंगे देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया है कि नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते, भी माया को तर जाएंगे इत्यादि ना वक्षमाणा इत्यादि के द्वारा हम भी आगे कहने वाले हैं, उसके अनुसार घटा लेना है। शंकरानंद जी टीका न कर्तृत्व विधि प्रकर्षेण, पहले प्रभु का अर्थ कर रहे हैं, प्रकर्षेण स्वयमेव सर्वत्र भाति सर्वं भासेति इत्युवा सर्वात्मना स्वयमेव भाति इत्युवा और प्रभुरात्मा इत्यर्थ। प्रकृष्ट रूपेण स्वयं सर्वत्र भासित हो रहा है, स्वयं सबको प्रकाशन कर आता हुआ रह रहा है, यह सर्वात्मना स्वयमेव ये यहाँ भाति नहीं होनी चाहिए, स्वयमेव भवति इत्युवा दीर्घ को काट के वह बनाओ, यहाँ पहले जा चुका ना सर्वत्र भाति हो चुका है। सर्वात्मना स्वयमेव भवति इत्युवा प्रभु मने आत्मा परमात्मा ब्रह्म स्वयं लोकस्य प्राणकर्तृत्वं तम इदम कुरु इति। ये जो परमात्मा है प्रभु है वह स्वयं इस लोकस्य लोकस्य मने प्राणिना इन जीवों को इनके अंदर कर्तृत्व को उत्पन्न नहीं किया उसने। तम इदम कुरु तुम इसे करो, ऐसे लठ हल्ले की थोड़ी खड़ा है पीछे ईश्वर, करा थोड़ी रहा है। प्रवृत्तिम न सृजति वो प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं किया है, यदि कर्मणि प्रवृत्तिम न सृजति कर्म में प्रवृत्ति को उसने सृजन नहीं किया। यं कंचन जंतुम न प्रवृत्ति इत्यर्थः, कहने का मतलब जिस किसी भी जीव जंतुओं को वो प्रवृत्त कराता नहीं है। तथा कर्माणि कर्माणि से क्या लेना, कर्तुरीष्टतम कर्म इति स्मरणात् क्रिया प्राप्त इष्टतमानि क्रिया के द्वारा पाने के लिए जो इष्टतम वस्तु हैं उनको यहाँ कर्माणि शब्द से कहा गया। इत्युच्यन्ते तानि न सृजति नोत्पादिति, उनको भी उसने उत्पन्न नहीं किया। इष्टप्रदम या थोड़ा अक्षर छप के गलती से इष्टप्रदम अनिष्टप्रदम व क्रिया प्राप्त योग्यम वस्तु न संपादित इत्यर्थ। इष्ट को प्रदान करने वाला मैंने सुखादि देने वाला या अनिष्ट प्रदान करने वाला दुखादि को देने वाला क्रिया के द्वारा प्राण योग्य ऐसा कोई वस्तु को परमात्मा ने उत्पन्न किया ही नहीं है। इतना ही नहीं कर्मफल संयोगंच न सृजति, तम तम प्राणिनम प्रति तत्त प्राणी के प्रति तत्त कृत उन प्राणियों के द्वारा कृत पुण्य पाप का फलेन च न संजयति, अपने पुण्य पाप के फलों के साथ भी वह परमात्मा संबंध नहीं जोड़ता है। प्राणिना सुख दुखानि नानुभवति चेत्यर्थ, इन प्राणियों को सुख दुख का भोग भी वो नहीं कराता है। यदि कराने वाला हो जाए तो उसमें सब दोष आ जाएगा,
किसी का सुखानुभव करा रहा है, दुखानुभव क्यों करा रहा है? अब आगे निमित्त लाना पड़ेगा, जियोगे अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो जियोगे कर्मों के अनुसार उनको फल मिल रहा है, इसलिए क्यों पीछे पड़ा फिर परमात्मा? तब कहते नहीं, ये सब अविद्या माया से ही हो रहा है, परमात्मा बीच में नहीं है। आत्मा कार्यतृत्व प्रापितृत्व भोजितृत्व दबावे, यह आत्मा में कार्यतृत्व प्रापितृत्व मैंने फल भोग का प्राप्त कराना और भोजितृत्व भोग कराना इत्यादि यदि नहीं है, तरी कारिता प्रापिता भोजिता च को, फिर तो कौन करा रहा है, कौन हमें दुख सुख दुख दे रहा है, कौन भोग करवा रहा है? इत्याकांक्षाम आहो स्वभावस्तु प्रवर्तते इति, स्वयमेव सर्वं भावयति स्वं भावयति इति वा स्वभाव, स्वयं ही सब रूपेण भावित हो रही है, यह स्व को ही भावित कर देती है, जो उसका नाम स्वभाव। कौन है वो? प्रकृति ही। प्रकृति से क्या लेना? कद वासनामयी, वासनामयी है ये प्रकृति, ये हमें प्रवर्तयति कर्म रूपिणी प्रकृति इष्टानिष्ट संपत् सुख दुख के चन भावयति, कर्म रूपी यह प्रकृति ही इष्टानिष्ट का संपादन करके सुख दुख में हमको अनुभव करा रही है। प्राणयः स्वात्मा तु, और प्राणियों की जो अपना आत्मा है वो तो प्राणी प्रकृति तच्चेष्टा तत्सुख दुख अनुभूति नाम साक्षी एव भवति अविक्रिय सनित्यर्थः, क्योंकि आत्मा जो है अविक्रिय होकर के केवल साक्ष्य मात्र होता है। वह प्राणी अपना प्रकृति और उसे होने वाली चेष्टाएं, उसे प्राप्त सुख दुख इत्यादि होंगे अनुभूतियों का सभी का वह साक्ष्य मात्र ही है, वह आत्म संबद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अविक्रिय। टिप्पणी में उठा रहा हूँ वो सब, ये जो श्रुति फिर क्यों कह रही है, हे शैव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, उन्निनीशते दो नकार होना चाहिए, हे शैव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो अधोलोकम निनीशते, कौशिक ब्राह्मण उपनिषद 3:9। यह परमात्मा ही इन जीवों से साधु कर्म कराता है, किन जीवों से? जिन जीवों को यह ऊपर की ओर उठाना चाहता है, यम तम यम एभ्यो उन लोगों से कराता है जिनको इन लोगों इन एभ्यो लोकेभ्यो इन लोगों से ऊपर उठाना चाहते हैं, उन्हें निश्चता है। और यही परमात्मा ऐसे एवं असाधु कर्म कारयति उनसे असाधु कर्म कराता है, यम एभ्यो अधोलोक में निश्चत है जिनको यहाँ के नीचे के लोक में ढकेलना चाहता है। इत्यादि श्रुति अनुसारेण परमेश्वरेण शुभाशु फलके फलकेशु कर्मसु प्रवर्तयति चेत, यदि इन श्रुतियों के आधार पर आप कहो कि परमेश्वर ही हमें पुण्य पाप फलों प्रदायक कर्मों में प्रवृत्त करा रहा है, फिर तो निश्चित रूपेण परमात्मा में दोष आएगा। क्या? वैषम्य निर्गण्याभ्याम प्रयोजक कर्तृत्वाद ईश्वर भी पुण्य पाप संश्लेष, फिर तो वैषम्य और नैर्गुण्य दोष, ये विषमता कर रहा है, किसी अच्छा काम कराओ किसी बुरे काम करवाओ, किसको सुख दो किसको दुख दो, ये जो वैषम्यता और किसी के प्रति घृणा कर रहा है, बिल्कुल उसे जो है नरक की ओर जाने दे रहा है, उससे संबंध ही नहीं करता, ये तो गलत बात है ईश्वर में। और ऐसे ईश्वर यदि मानते हो सकल कार्यों का प्रयोजक कर्ता हुआ यदि मान लेते हैं, फिर तो ईश्वर के अंदर भी पुण्य पाप मानना पड़ेगा, उसके अंदर विषमता नहीं हो सकता। आपके यहाँ भी कोई आता है जाता है, आप संबद्ध भी हैं, आप कईयों से कई आपसे संबद्ध हैं, तो क्या होता है, किसके प्रति आपके अंदर विशेष प्रेम रहता है, किसे विशेष द्वेष भी हो रहता है, राग द्वेष स्वाभाविक है। ऐसे परमात्मा भी राग द्वेष वाला यदि है तो परमात्मा ही नहीं हो, तो
पुण्य पाप का संबंध मानना पड़ेगा। इत्याशय के माह न इति, उसी को समाधान करते न कर्तृत्वम न कारयितृत्वम इत्यादि। अथवा दूसरी यहाँ पर अवतरण गा दी जा सकती है, अयस्कांत मणिवत कारयितृत्वम परवशात अस्तु। स्वयं में भले कर्तृत्व कारयितृत्व नहीं है, इन पर इन जीवों की वजह से उस परमात्मा में कारयितृत्व कम से कम मान लिया जाए। इत्यदा न इति, कर्त्रा क्रिया प्राप्तमिष्टतमानि लौकिक फलानि वैदिक फलानि च कर्माणि इति शब्दनुक्तम न तु यागादि। यह कर्माणि शब्द से वो चीज लेने हैं जो वैदिक और लौकिक फल है, जो क्रिया के द्वारा कर्ता के लिए प्राप्त करने की इष्टतम वस्तु है, ऐसे लौकिक फल और वैदिक फल को यहाँ कर्माणि शब्द से कहा गया, यागादि को नहीं। प्रकृष्ट रूपेण भवन्ति अस्मैति प्रभु, प्रकृष्ट रूपेण सारा संसार जिससे होता है, जिसे जीवित रहता है, जिसमें विलीन होता है, उसी का नाम प्रभु। यस्मात् येन यस्मिन् तीनों उत्पत्ति लिया जाता है। श्रुति प्रमाण ने तो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति इति, ये श्रुति प्रमाण है, तीनों लेना पड़ता। कर्मफलानि सुख दुखात्मकानि तयो संयोग इति कर्मफल संयोग। कर्मफल संयोग का अर्थ कर रहे हैं, कर्म मैंने वही जो अभी बताया पुण्य पाप कर्म, उनका फल क्या है, सुख दुख उसके साथ संबंध होना, उसका नाम कर्मफल संयोग हो। वह भी वह नहीं जोड़ता। स्मृतेश्च स्मृति प्रमाण देखो, अज्ञो जंतु रनीशो वयम आत्मना सुख दुखयो हो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वा स्वब्रह्मेव वा। अज्ञानी जीवात्मा अनीश होकर के, असमर्थ होकर के, पराधीन होकर के, अपने वासनाओं के वजह से अनादिकालीन संसार है, इसलिए अनादि कहना पड़ता है संसार को। ये जीवात्मा सुख दुख का भोग करता है और आप जो भोग कर रहे हैं उसको लोग प्रेरणा देता है, केवल जो आप करना चाहते हो हाँ करो, किस चीज के लिए मना नहीं करता। उसमें शुभ कर्म के लिए तो मना करेगा ही नहीं, अशुभ करोगे तो एक बार अंदर से आवाज तो आता है मत करो। जिनको चोरी करने के अभ्यास हो गए उनके बाद छोड़िए, अनेक जन्मों के संस्कार जिसकी है, और पहली बार नहीं तो कोई चोरी करता है ना बहुत डरता है, चारों तरफ देखता है, बहुत सावधान होता है, कोई देख तो ना ले, कोई पकड़ ना ले। फिर एक बार कर लिया सफलतापूर्वक, फिर तो कहना है, फिर तो चोरों का बादशाह बन जाएगा वो, तो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे धीरे। इन पहली बार तो अंदर से आवाज़ आया मत करो, डरा भी हो, वो ईश्वर इस तरह का है, मौन पूर्वक सब व्यवस्था प्रदान करता है। ईश्वर प्रेरित सन गच्छेत् स्वर्गम वा स्वब्रह्मेव वा, स्वर्ग जाएगा या नीचे जाएगा। श्रुति स्मृत्योः तात्पर्य महा स्वभावस्थिति, ऐसी श्रुति जो उद्धृत पूर्व में और स्मृति ईश्वर प्रेरित कह दिया है, ये सब की तात्पर्य क्या है उसको समझाते हुए कहा यहाँ पर स्वभावस्तु प्रवर्तते इति। स्वामनेश्वर स्वाभिन्नत्वेन प्रतियमानो भाव, आत्मा परमात्मा से अभिन्नत्वेन प्रतियमान जो भाव पदार्थ है, हमारे यहाँ जो अविद्या कहने से विद्या का अभाव ऐसा नहीं समझना, अज्ञान मन ज्ञान का अभाव, हमारे अविद्या भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ नहीं है। तभी भाव से भावात्मक सृष्टि उत्पन्न हुआ, नहीं तो कैसे उत्पन्न होता भावात्मक सृष्टि, अभाव से भाव तो हो नहीं सकता। उनमें जा चुके ना विद्यते ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, ये था स्पष्ट कहा हुआ है। इसीलिए भाव से भावोत्पत्ति मानना पड़ेगा। जब माया और अविद्या, अविद्या से भले प्रयोग करो, अविद्या शब्द विद्या का भाव रूपी व्युत्पत्ति करके नहीं लेना, अविद्या रूढ़ शब्द है, भाव वस्तु नहीं।
प्रतियमानो भावः कल्पितत्वात् अथवा स्वं मन स्वयमेव भवति भावयति च सर्वथा यह स स्वभाव। अतः स्वयं ही होती है और अनेक प्रकार से कराती है, जो उसका नाम स्वभाव माया अविद्या प्रकृति शब्दैर लक्षितः, जिसे माया शब्द से अविद्या शब्द से प्रकृति शब्दों से भी आदि शब्दों से लक्षित किया गया है। परमार्थ तस्तो इन वास्तव में है क्या, वास्तविकता को प्रकट करेंगे अगले श्लोक। वही मंत्र उठाया संक्रांति ने अभी, ननु एष साधु कर्मकारेति सत्त्वस्येष प्रवर्तकः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। यहाँ भी आगे कहने वाले हैं आप, ईश्वरी सबके अंदर बैठा हुआ है, अपने माया से सबको चाबुक से मार मार के पीट पीट के दौड़ा रहा है, ऐसे आप भ्रामयन् सर्वभूतानि। यहाँ भी कहने वाले हैं आप, अतएव जो है ये साधु कर्म कारयति इत्यादि श्रुति है, सत्य शेष प्रवर्तक जीव का ये परमात्मा प्रवर्तक है, ये दूसरी श्रुति या स्मृति है, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वाधिपत्यं गुरुदेव महात्मा, और ये महात्मा है परमात्मा है जो सगल का आधिपत्य करता है, सब पर शासन करके बैठा हुआ है। धर्मावहम पापनुदम भगेशम वरदम देवमीड्यम, अन्यत्राया धर्म का आवाहन करने वाला, आपसे धर्म को कराने वाला, पापों का नाश करने वाला, सगल भगों का ऐश्वर्यों का ईश है, वर देने वाला, देवताओं की तरफ पूज्य है, सब आया है। प्रभो प्रीणाति विश्वभुक्, विश्वभुक् प्रभो प्रीणाति, हमारे पूजा पाठ लेके प्रसन्न हो जाते हैं और खूब हमें फल देते हैं, ऐसे वर्णन आया है। इत्यादि श्रुति भी स्मृतिविश्च परमात्मन कर्तृत्वं कारतृत्वं धर्मावहत्वं पापपरोधकत्वं सर्वपूजादि परितोष्टृत्वादिकं च प्रतिपाद्यते। इत्यादि श्रुति स्मृतियों के द्वारा स्पष्ट है परमात्मा में कर्तृत्व भी है, कारितृत्व भी है, धर्म को ढोने वाला है, पाप को नाश करने वाला है, समर्पित पूजादियों के द्वारा प्रसन्न होने वाला है, ये सारे धर्म वाला ये परमात्मा है, ऐसे प्रतिपादन हो रहा है। फिर आपने कैसे कह दिया खत्म न कर्तृत्वं न कर्माणि, यदि आत्मना स्मृति स्मृतियुक्त धर्मत्व अभाव प्रतिपाद्यते, और आत्मा में स्मृति स्मृतियुक्त धर्मों के अभाव का प्रतिपादन पूर्व श्लोक में आपने कैसे कर दिया, इति आकांक्षायाम न श्रुति स्मृति भी प्राणैरपि। आप तो स्मृति स्मृति बता रहे हो, बल्कि सारे पुराणों में इस तरह की बहुत कहानी है, बहुत श्लोक मिलेंगे आपको जिसे लगता है ईश्वर ही सब करता कराता है, तो उनको पकड़ के आदमी सोचे जीवात्मा सोचता मैं तो निर्दोष हूँ, फिर तुम निर्दोष हो तुम दुखी क्यों हो रहे हो, वो दुखी करार अरे वो करार है तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो, कोई कुछ करते कराते रहे तो अपने अलग रहो उससे, इन्हें ऐसा होता नहीं। इसलिए कहते देखो श्रुति स्मृति भी पुराण ही रपी आत्मनि उपाधि कृतम आरोप्य, देखो इस आत्मा परमात्मा में क्या किया है, उपाधिकृत धर्मों का आरोप कर दिया है, उपाधिकृतम आरोप्य प्रतिपाद्यते। वे क्यों प्रतिपादन कर रहे हैं इसे, केवल पारमार्थिक सत्य वस्तु बता देते, ऐसा विशिष्ट धर्मों वाला ईश्वर क्यों वर्णन किया आपने, कहते मुमुक्षुणाम सत्वशुद्ध्यर्थम तदुपास्तव प्रवृत्ति सिद्धये, ये केवल इन मुमुक्षुओं के अपने अंतरण शुद्धि के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले उपासनाओं की स्थिति के लिए, नहीं तो उपासना प्रवृत्ति कैसे होगी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ मान लेगा वो, किसी की पूजा करेगा इसने मुनान करेगा, है ऐसे भी आदमी, मैं ही स्रोत ब्रह्म एक मास धरती पे कोई दूसरा ही नहीं, इतने अहंकार है वो, इसलिए किसी को नमन नहीं करेगा, अरे आप साष्टांग दंड तो नहीं किए आपको निकाल के बाहर फेंक देगा,
बताओ, ये श्रोत्र प्रविष्ट का लक्षण है। उनके दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के ऊपर सर रख के प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों साष्टांग प्रणाम करके उठ के खड़े हो गए तो नहीं चलेगा। तब वो कहेंगे हाँ ये श्रद्धावलु है, हमारा सही शिष्य है। इतना अभिमान आ जाता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो ये अनुचित है, आत्मा में हो ही नहीं सकता। मोक्षों के अंतरण शुद्धि के लिए वह किसी की उपासना करने के लिए अपने से बड़े किसको मानना पड़ेगा ना। यदि अपने से बड़े किसी को नहीं मानोगे, उनके गुणों का चिंतन मनन कैसे करोगे, उपासना कैसे होगी? अपने से किसी को बड़े मानोगे तो उनकी सेवा करोगे। वो अपने गुरुओं को भी कभी उन्होंने अपने से बड़े नहीं माना, जिनसे पढ़े उनकी भी कई कभी कोई सेवा नहीं। पढ़ते वक्त ही उनके तय तो केवल व्यवहार मात्र हम सुन रहे हैं, नहीं तो कहेंगे बिना किसी पढ़े लिखे आचार्य हो गया, इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं तो हमें जाने की जरूरत नहीं। दृष्टांत जैसे भगवान कृष्ण गए गुरुकुल, क्यों गए? जरूरत था क्या उनको? तो हमें भी जरूरत, फिर भी हम जा रहे हैं। तो हमने कहा फिर भी उन्होंने गुरुकुल में जा गुरु की सेवा तो किए, गुरु को गुरु दक्षिणा भी दिए, और आप उस पर मौन बोलेंगे? तो ऐसे अहंकारी लोग हैं, उनसे सावधान करने के लिए भगवान ने कहा मुझे मानो, मैं ईश्वर हूँ, मैं कर्ता कराता हूँ। ये सब अध्यारोप परमात्मा में हो करना पड़ा। वही सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, इत्यादि विशेषणों से उनको समझा कहना पड़ा, ताकि उपासना में प्रवृत्ति आपकी होवे। न तो तत्त्विक, लेकिन वह सब उस ईश्वर में तात्विक नहीं है। वस्तुतस्तु कूटस्थ असंग चिद्रुपत्वात् आत्मा स्वयं न करोति न कार्यति नादत्ति इत्याह। वास्तव में ये कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप आत्मा है, वह स्वयं न करता है न कराता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया, नादत्ते कसचित् पापम इत्याह। नादत्ते कसचित् पापम, नादत्ते कसचित् पापम, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कसचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यः परमात्मा कस्यचिदपि पापं नादत्ते, किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता, न चैव सुकृतम, न किसके सुकृत को ही लेता है। कौन? विभु। पहले प्रभु बोला, विभु बोला, और प्रोपसर्ग या विउपसर्ग एक ही बात है। मैं प्रकृष्ट रूपेण कहूँगा, इतना ही अंतर करके विविध रूपेण भवति या विशेषेण भवति इति विभु, विशेषेण भाति भासेति वाइति विभु। फिर यदि ये न कुछ करता है, न कराता है, न लेता है, न देता है, फिर ये सब कैसे हो रहे हैं? अज्ञानिन आवृतं ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा इसका विवेक ज्ञान आवृत हो गया, इसे विवेक नहीं कर पा रहे बेचारा। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसलिए उस अज्ञान के द्वारा ही समस्त जीव मोहग्रस्त हो चुके हैं। नादत्ते न च गृह्णाति भक्तस्याभि, भक्त के भी पुण्य पाप ग्रहण नहीं करते हो, उसका भोग उसको करना ही पड़ेगा। पापम न चैवादत्ते सुकृतम भक्त ही प्रयुक्तम विभु, वह विभु परमात्मा जो है भक्तों के अंदर कृत सुकृतो चाहे दुष्कृतो, पुण्य हो या पाप हो, किसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है।
किमर्थम तर्हि भक्ति पूजा लक्षणम यागदान होम आदिकंच सुकृतम प्रयुज्यते। फिर जो है इन भक्तों के द्वारा पूजा आदि रूपा यागदान होम आदि रूपा सुकृत क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इत्यतः सब करने के पीछे इसका ज्ञान ही है। अपने आप को जीवात्मा मानता है, अपने आप को अज्ञानी मान रहा है, अपने आप को पापी हूँ। मैं खलु कामी, आरती में गाते हैं, मैं तो कामी हूँ, अपने आप को स्वीकार कर रहा है। अब कामी है तो कामना के अनुरूप कर्म तो करना ही पड़ेगा। निरहम क्यों बोलेगा मैं कामी हूँ, वो क्यों बोलेगा मेरा निरहम है तो नाम किंचित करो मैं बोलो, कामी क्यों कह रहा है, क्योंकि कामना लेके खड़ा है वो ईश्वर से, कामना कोई चाहता है इसलिए ईश्वर की आरती उतार रहा है। तो निरहंकार तो आरती भी क्यों उतारेगा, ये सब अज्ञान की वजह से खेल चलता है। ज्ञान की बात हो तो प्रार्थ कर्म वैसे बोल रहा है ये कहा जाएगा, पंक्ति को बदल नहीं सकता ना। यदि ज्ञानी पंक्ति बदल के गाएगा तो कहेगा कैसे कर दिए गुरु जी ने, ऐसे कैसे आरती गा रहे हैं, गलत आरती गा रहे हैं, उल्टा आरोप लग जाएगा। अरे ज्ञानी अपने हिसाब से गाएं तो गा भी नहीं सकते, वो जो लोक में प्रचलित जैसा है वैसे उसको गाना पड़ेगा। जोश है सर्वकर्माणी, विद्वान को कहा स्वयं भी करो, विद्वान को कह दिया कराओ तो करता कराएगा, विद्वान तो जैसा है वैसे ही तो चलाएगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये सब क्यों कर रहा है, मैंने अज्ञान है ना आवृतं ज्ञानम, ज्ञान मैने विवेक विज्ञानम, इसका विवेक विज्ञान अज्ञान से आवृत हो चुका, तेना उस अज्ञान की वजह से मुह्यंति करोमि कार्यामि भोक्षे भोजयामि इत्येवं मोहं गच्छन्ति। मैं करता हूँ कराता हूँ, भोगता हूँ भोग करवाता हूँ, इस प्रकार से मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कौन जंतवः माने अविवेकिनः संसारिनो जंतवः, अविवेकी जो संसारी है उन्हीं को यहाँ जंतु शब्द से कहा गया। यदि कथाकार कहे हे जीव जंतुओं तो नाराज हो जाएंगे लोग, कहना पड़ता भाइयों और बहनों भक्तिवती माताओं ये कहे जंतुओं तो कहे ये माता बेकार है। एक दक्षिण में से एक महात्मा वेदांत पढ़ाने लगा, स्वाध्याय करना था तो दो चार लोग आने लगे, आओ बार बार उनको कहे अरे मूर्खों अरे मूढ़ों। एक दिन दो दिन कब तक सुनेंगे, सब पढ़े लिखे लोग थे, अबे मैंने डिग्री पास वाले थे, अब उनको तुम बार बार कहो तुम मूर्ख है, हे मूर्ख हो हे मूढ़ हो तुम गधा है, कुत्ते का जिंदगी तो जी रहा है, ऐसे ऐसे बोलता था। एक एक करके कट गए, महीने भर में सब खत्म। फिर हमको बोलता है हम सत्य बोलते हैं तो कोई आता नहीं पढ़ने को। मैंने कहा मूर्ख तुम ये भी तो सुनाया था पाठ में, जैसे माँ जो है कड़वी दवाई देने के लिए लड्डू दिखाती है, अरे तू भी पहले मीठे मीठे बोल और बीच बीच झपड़ मारते रहो, ऐसे थोड़ी सीधे तुम शुरू से तक जूते ही मारते जाओ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कौन सुनेगा तेरी वेदांत, कौन पढ़ेगा। इसीलिए आदमी को व्यक्ति को देख करके बोलना पड़ता है कि आपका लक्ष्य क्या है, व्यक्ति को ब्रह्म तक पहुंचाना है, और फिर भी पहले उसके अहंकार की पुष्टि करना पड़ता है। तुष्यतो दुर्जन न्याय, तुष्यतो दुर्जन न्याय, जो दुर्जन है उसको क्या बोला ना उसने, दुर्जनम प्रथमम वंदे है ना, कहीं महाराष्ट्र में एक जगह आया दुर्जनम प्रथमम वंदे,
मैं पहला दुर्जन को प्रणाम करूंगा, सज्जनम तदनंतर, सज्जन को तो बाद में, कि दुर्जन का ठिकाना नहीं है, उनको पहले प्रणाम ना करो तो नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर वही बात है कहते कि भाई ये सब संसारी मोहग्रस्त और चल रहे हैं। निर्वेदवाद निष्कृतवाच्च विभुर व्यापक स्वयं आत्मा भक्त सेवा अपि अन्य सेवा यश कसिचिदपि पापम ना दत्ते इत्यादि। ओहो टाइम हो गया।